हरियाणा में लगा 7 दिन का लॉकडाउन, सीएम बोले सबको मिलकर लड़नी है जंग। हरियाणा में 7 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। सिरसा में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में अगले रविवार 9 मई तक लॉकडाउन रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ सकारात्मक सोच के साथ सबको मिलकर जंग लड़नी है। सिरसा में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया गया है, इसके अलावा निजी अस्पतालों के साथ मिलकर संक्रमित मरीजों के लिए और बेड बढ़ाए जाएंगे। लॉकडाउन की जानकारी राज्य के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर भी दी है। बता दें कि इससे पहले राज्य के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था। इन जिलों में पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, सोनीपत, रोहतक, करनाल, सिरसा और फतेहाबाद शामिल है। दिया गया है लॉकडाउन के दौरान क्या क्या प्रतिबंध होंगे और किनको छूट रहेगी इस बारे में स्पष्ट नहीं है। लॉकडाउन के दौरान राज्य में अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकेगा, न ही सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर पैदल या वाहन के जरिए घूमने की छूट दी जाएगी। लॉकडाउन के दौरान और क्या क्या प्रतिबंध रहेंगे इसके बारे में जल्द ही दिशा निर्देश जारी होने की उम्मीद है। वीकेंड लॉकडाउन में कानून व्यवस्था संभालने में लगे कर्मचारियों, आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवान, स्वास्थ्य, बिजली और दमकल विभाग के कर्मचारी, मान्यता प्राप्त पत्रकारों और कोविड ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मियों को आने जाने की छूट दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी।